भाई को इंसाफ दिलाने में जुटी हैं ये बहनें। कभी आपस में लड़ी तो कभी बचपन की याद आते ही रोई। शफक और फलकनाज इन दो एक्ट्रेसेस का नाम हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। वजह है तनिषा शर्मा केस। फलक और शफक अपने भाई शिजान को इंसाफ दिलाने में जुटी हैं। वहीं शिजान के बारे में लोगों को काफी कुछ पता चल गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि शिजान की दोनों बहनें सालों तक एक दूसरे से बात नहीं कर रही थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो चलिए हम आपको रूबरू कराते हैं शफक और फलक से जुड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी से हमारे स्पेशल सेगमेंट टेलीज मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल में। बात 2018 की है, जब एक इंटरव्यू में फलक ने शफक के बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया था। फलक ने कहा था कि वो अपनी बहन से 2 साल से नहीं मिली। फलकनाज ने अपने इंटरव्यू में कहा था, लास्ट 2 सालों से मैं शफक के कांटेक्ट में नहीं हूँ। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर शफक ने मेरी मम्मी के साथ लड़ाई की और हमें छोड़कर चली गई। जब वो जा रही थी तब उसने कहा था कि हम लोग उसके लिए मर गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने शफक से बात करने की कोशिश की, तो एक्ट्रेस ने कहा, हमारा अब शफक से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कॉन्टैक्ट किया लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकला। वहीं 2018 के बाद 2022 में यानी कि तनिषा शर्मा मामले में दोनों बहनों को एक साथ देखा गया। शफक नाज 2013 में सीरियल महाभारत में हमें कुंती के रोल में नजर आई थी। यही कारण था कि जब शफक नाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वेस्टर्न ड्रेसेस में तस्वीरें शेयर की तो उन्हें काफी ज्यादा फॉलोअर्स ने अनफॉलो कर दिया था। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए शफक ने कहा था, मुझे कुंती माता की भूमिका निभाने का कोई अफसोस नहीं है और अगर मुझे ऐसी भूमिका की पेशकश की जाती है तो मैं इसे फिर से करूंगी। मैंने उस किरदार को जिया और पसंद किया। मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसा किरदार था जिसे मैंने निभाया था। उन्हें व्यक्ति के वास्तव जीवन को नहीं भूलना चाहिए या प्रोफेशनली जो कुछ भी किया है उसे हावी नहीं होने देना चाहिए। फलकनाज अपनी मम्मी और 2 भाइयों के साथ रहती हैं। उनकी मम्मी ने अकेले 4 बच्चों की परवरिश की। वहीं फलक शफक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तब ये बात उड़ी थी कि शिजान का बचपन अच्छा नहीं गया, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते थे। वहीं सालों पहले फलक ने स्पॉटलाइट शो में हिमांशु मल्होत्रा संग बातचीत में कहा था कि जब वो छोटी थी तो उनके डैडी उनकी मम्मी से अलग हो गए थे। उनकी मम्मी उनके डैडी की दूसरी वाइफ थी लेकिन डैडी बिजनेस में लॉस होने की वजह से अपनी पहली वाइफ के पास वापस लौट कर चले गए थे और रिश्तेदार कहने लगे कि अब ये बच्चे मेरे डैडी के लिए मर गए हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि मेरे डैडी दिखते कैसे हैं। तनिषा मामले में फलक ने अपने परिवार के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहां उन्होंने मीडिया को बताया था कि तनिषा शिजान का ब्रेकअप नहीं हुआ है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद फलक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डालकर कहा कि तनिषा शिजान का ब्रेकअप हुआ वो भी अच्छे नोट पर, क्योंकि दोनों को अपने करियर पर फोकस करना था। वेल, इस वीडियो के पोस्ट होते ही सोशल मीडिया यूजर्स फलक को ट्रोल करने लगे। ट्रोलर्स फलक पर सवाल उठा रहे थे कि अगर उनके भाई को करियर पर ही ध्यान देना था तो उन्होंने तनिषा से प्यार ही क्यों किया। तनिषा फलक के काफी करीब थी, प्यार से वो उन्हें अप्पी बुलाती थी। वहीं तनिषा के टैटू को लेकर भी काफी बवाल मचा था जहां तनिषा की मम्मी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फलक पर कई आरोप लगाए थे। सुनिए क्या कहा था तनिषा की मदर ने। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं पता, एक दो बार बताया था, एक दो दो बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? नहीं नहीं, और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आपकी? उसमें कुछ लव लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी। फलक उसको लेकर गई थी स्टूडियो में क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू पसंद नहीं था, मना किया था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था। आपका क्या कहना है इन कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू टेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।